नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान आरएएस आरपीसी द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है आरएएस मेंस का रिजल्ट यहां पर आया है। आरएएस 2018 मेंस का रिजल्ट यहां पर आया है, तो क्या कट ऑफ रही उसकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितने लोगों को पास किया है। देखो दोस्तों, आरएएस मेंस 2018 की हम बात करें तो वहां पर जो पदों की संख्या थी वो 1051 पदों के लिए फाइट थी, 1051 पदों के लिए। और जो आरपीएससी जितने कैंडिडेट्स को मेंस में पास करता है उनकी मैं बात करूं तो आरएएस मेंस में ज़्यादा पहले क्या हुआ करता था, 3 गुना लोगों को पास किया जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 गुना लोगों को आरएएस मेंस में पास किया है, इंटरव्यू के लिए आगे पास किया है। टीएसपी एरिया में बात करें, टीएसपी में जो लोग आते हैं उनके लिए 57 लोगों को वहां से पास किया गया है, 57। ठीक है, कट ऑफ पर डिपेंड करता है कट ऑफ पे। और नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी से 1953 लोगों को पास किया है, लगभग दुगना अगर दोनों का एडिशन करें तो। जो पोस्ट थी हमारी उन पोस्ट का लगभग 2 गुना लोगों को यहां पर मेंस एग्जाम में पास किया गया है दोस्तों। अब देखिए, जो 2018 मेंस का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट काफ़ी समय से अटका हुआ था, रिजल्ट आया बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, काफ़ी समय बाद रिजल्ट आया है, चलो रिजल्ट आ गया बहुत अच्छी बात है। अब रिजल्ट में कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ गई है, जितना एक्सपेक्ट करके हम चल रहे थे कट ऑफ का, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा बढ़कर कट ऑफ यहाँ पर आई है। जैसे हम बात करें नॉन टीएसपी एरिया की हम बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया में जनरल के लिए जो कट ऑफ निकली है वो क्या है, 344 रही है, और वही कट ऑफ ओबीसी की रही है बराबर, बिल्कुल 344। ठीक है, तो जनरल की और ओबीसी की जो कट ऑफ रही है नॉन टीएसपी एरिया के लिए वो बराबर है 344। वहीं अगर एससी की हम बात करें तो एससी की 310.25 रही है और एसटी की कट ऑफ 327.25 रही है, एमबीसी की कट ऑफ 343.75 रही है। और यहाँ पर फीमेल्स और विडो और डीवी की थोड़ी डिफरेंट है, तो वो कट ऑफ भी हम देख लेंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट जो लोग पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और जो लोग फेल हो गए हैं वो लोग निराश ना हो, अपकमिंग एग्जाम्स की आप तैयारी करें, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी आप तैयारी करें, नेक्स्ट टाइम दोबारा से इसकी प्रिपरेशन करें। ACF है, ACF की तैयारी करें, जो लोग ACF का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ये मौका है, बहुत अच्छा मौका है, ACF की आप तैयारी करें, उसका भी RPSC ने एग्जाम डेट निकाल दिया है अगस्त में, तो उसके लिए प्रिपेयर करें। और आप लोग जो लोग पास हुए हैं, जो लोग फेल हुए हैं, एक बार अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और कोई नहीं दोस्तों, आगे बढ़िए और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करिए, और अगर आपने लक्ष्य बना ही लिया है तो उसे हासिल कर रहेंगे, एक बार नहीं तो अगली बार कोशिश करेंगे, तीसरी बार कोशिश करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, डटे रहेंगे हमारे लक्ष्य को और लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।